दिल्ली में ऑटो वाले हड़ताल पर चले गए हैं कई मांगों को लेकर, कई नाराजगियों को लेकर। वैसे दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं वो सियासत में भी बड़ा हिस्सा रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के दमखम का पूरा इस्तेमाल किया था। दिल्ली में आगे भी चुनाव होने हैं, लिहाजा इस बार भी ऑटो रिक्शा काफी अहम सियासी हथियार बनकर सामने आ सकते हैं। आज की जो हड़ताल है वो बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हो रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो वालों की रैली का ऐलान भी किया है। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों से ऑटो गायब हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर, नाराजगी को लेकर ये ऑटो वाले हड़ताल पर हैं। ऑटो इसलिए स्ट्राइक हो रही है क्योंकि एक तो नो पार्किंग में बंद हो रहे हैं ऑटो, ठीक है, और सवारी बैठाते हैं रिफ्यूजिंग का चलान हो जाता है। गवर्नमेंट ने जो है जबरदस्ती जीपीएस जो है हमारे ऊपर थोप दिया है। इसकी कीमत है करीब 12-13 हजार रूपए कीमत है। ये जो है हमें अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, और इसके ऊपर जो हर साल जो खर्चा आएगा वो अलग है। आज कामकाजी हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, और ऐसे में ये हड़ताल लोगों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर रही है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर आज ऑटो नहीं चल रहे हैं।